हेलो गाइस, मैं हूं आपको होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करेंगे फिक्शन के ऐसे ऐसे टर्म्स है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग करते हैं लोगों के बीच में, और वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाते कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। अगर हम वो कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे नहीं, तब क्या होगा कि राइटर्स हमें क्या कहना चाहते हैं उनका थॉट प्रोसेस को हम अच्छे से ग्राप कर नहीं पाएंगे, तभी हम उसका ओरिजिनल टेस्ट बता नहीं पाएंगे। और ये होगा एक चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम इस टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे तो सब चीज़ों के बारे में जो उसके खास करके डिबेटर्स इसको यूज़ करते हैं, इसको हम प्रॉपरली उसको जान नहीं पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लाइक डायमेंशन, रियलिटी, यूनिवर्स, सबस्पेस, रिलेम, मल्टीवर्स, टाइमलाइंस, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो और बहुत ही नॉलेजबल वीडियो होने वाली है। सो वीडियो की तरफ जल्दी बढ़ते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। सो दोस्तों, मैंने जितने भी टर्म्स बोले हैं तो उसी टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है डायमेंशन, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और द मोस्ट कर्स्ड वर्ड इन वर्सेस कम्युनिटी, एके डिबेट कम्युनिटी। सो दोस्तों, डायमेंशन का लिटरली मीनिंग क्या है? एक सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है डायमेंशन का? डायमेंशन का सिंपल मीनिंग ये है कि उसको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में अगर बोले तो आयाम कहते हैं। आयाम, आयाम क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं कि एक वस्तु का आयाम, मतलब मैंने क्या बोला, एक वस्तु का आयाम। एक वस्तु का आयाम मतलब ये होता है कि अगर एक वस्तु है तभी उसका आयाम रहेगा। हो सकता है वो 2D आयाम हो, मैं भी हो सकता है वो 3D आयाम हो, मैं भी हो सकता है वो 1D आयाम हो, लेकिन मैं भी हो सकता है वो एक आयाम वस्तु हो, लेकिन वस्तु होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी वस्तु विदाउट डायमेंशन या फिर विदाउट आयाम नहीं हो सकता। मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता जिसका कोई आयाम ना हो। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे कि बोला कि वस्तु होने से ही आयाम रहेगा, उसी तरह से फिक्शन पे बहुत सारे ऐसा ऐसे जगह हैं जिसको हम कहते हैं कि आयामहीनता या फिर उसका डायमेंशनलिटी ज़ीरो है, मतलब उसका आयाम नल है, उसमें कुछ आयाम होगा ही नहीं। मैं ये सिंपली बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई आयाम की बात करते हैं या फिर हम डायमेंशन की बात करते हैं, तभी एक वस्तु होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से फिक्शन में बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक आपको एक उदाहरण देता हूँ, मतलब आपका पेन है एक 3D आयाम, एक थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से आपका घर थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, आपका पेपर एक लोअर थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसी तरह से एटम्स वो 2D ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग्स जो रहते हैं 1D ऑब्जेक्ट रहते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो उसी तरह से आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे, एक प्लैनेट भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से एक यूनिवर्स भी हायर 3D ऑब्जेक्ट है। तो ये सब वस्तु के कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो वस्तु रहते हैं यूनिवर्स से लेके आपके पेन तक, ये सारे के सारे 3D आयाम है, मतलब उसका चौड़ाई लंबाई ये सारा चीज़ें रहता है। उसी तरह से बहुत ही काउंटलेस यूनिवर्स अगर रहते हैं उसका भी आयाम अगर हम कहते हैं, वर्सेस लैंग्वेज में हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट 3D या फिर इनफाइनाइट 3 आयाम कहते हैं, मतलब अनंत आयाम में वो व्याप्त है। वेट ए सेकेंड, अगर वो अनंत आयाम में व्याप्त है, मतलब 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि गैलेक्सी, यूनिवर्स, इतने सारे जो 3D जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो इतने सारे लोग कहाँ पर रहते हैं, उसको कौन होल्ड करता है? हम बात करते हैं स्पेशल डायमेंशन को कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशन कह सकते हैं, इसको आइंस्टाइन एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस या फिर एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेशल डायमेंशन क्या है? स्पेशल डायमेंशन रहता है ये जो इन्फाइनाइट 3D जो है उसको कौन होल्ड करता है, वो कौन से स्पेस में रहता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस या फिर 4th स्पेस। तो 4th स्पेस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो इतना बड़ा होता है कि वो 3D स्पेस से बहुत ही ज़्यादा, इन्फाइनाइटली ज़्यादा बड़ा रहता है। तो उसी तरह से 4th स्पेस, मतलब एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस में क्या रहता है, मान लो कि आप 3D ऑब्जेक्ट हो और 4th पे इन्फाइनाइटली ऑब्जेक्ट रहता है, इन्फाइनाइटली 3D ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कहाँ पर रहता है, वो 4th पर रहता है। तो उसी तरह से इन्फाइनाइटली 4th जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो कौन से स्पेस पे रहते हैं, वो रहते हैं 5th पे। तो दोस्तों, ये मैंने ये तो नॉर्मल बेसिक्स बात बता दिया कि वर्सेस लैंग्वेज में क्या होगा उसका,
वर्सेस लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट डायमेंशन। इनफाइनाइट डायमेंशन क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्ट करके कभी कभी हाइपरवर्सल भी बोल देते हैं, हालांकि वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि इनफाइनाइट डायमेंशन मतलब इनफाइनाइट 3D भी हो सकता है, जो कि फोर्थ डायमेंशनल के अंदर रहता है। और फिक्शन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोला गया है, इनफाइनाइट डायमेंशनल, काउंटलेस डायमेंशन ऐसे बताया जाता है, तो वो कभी कभी हाइपरवर्सल लोग उसको मिस इंटरप्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तरह डायमेंशनल का कॉन्टेक्स्ट, इतना तो मिनिमम नॉलेज होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रियलिटी। रियलिटी दोस्तों क्या होता है? रियलिटी का एक्चुअल सीधा साधा मीनिंग होता है क्या? वास्तविकता। वास्तविकता मतलब जिसको हम देखते हैं अभी, हम आंखों के सामने जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्या है? वास्तविकता है, मतलब रियलिटी है। तो हम बहुत सारे ऐसे फिक्शन में जैसे कैरेक्टर्स दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, तब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स लिखे हुए होते हैं कि वो दोनों जब फाइटिंग कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि रियलिटी डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर रियलिटी सेक हो जाता है। तब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि रियलिटी के अंदर क्या होता है, होल एग्जिस्टेंस भी आता है, मतलब होल मल्टीवर्स भी आता है, होल ओमनीवर्स भी आता है और यूनिवर्स भी आता है। तो होल ओमनीवर्स एग्जिस्टेंस सारी चीज़ों को रियलिटी भी ही कहा जा सकता है, जो जो चीज़ें एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात अगर करें तो वो कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर वो कितना पावरफुल है और वो कितना तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल अभी एक बंदा एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो भी रियलिटी के अंदर ही काउंट होता है, या फिर एक बंदा गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो या फिर वो भी रियलिटी के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम समझना चाहिए, डिपेंड अपॉन कि वो कैरेक्टर कौन से लेवल पे है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि सबस्पेस के बारे में। सबस्पेस क्या चीज़ है? सबस्पेस ये होता है कि आप सब जानते हैं सबस्पेस क्या होता है। सबस्पेस मतलब दो एटम के बीच में जो गैप रहता है, उसके अंदर जो गैप रहता है उसका हम कहते हैं सबस्पेस। ये सारी बात तो आप जानते हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एटम के बीच में जो गैप रहता है उसको भी हम स्पेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सबस्पेस। और या फिर एटम और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो गैप रहता है उसको भी हम कह सकते हैं सबस्पेस। उसी तरह से एक सेल और दो सेल के बीच में जो गैप रहता है उसको भी हम सबस्पेस कह सकते हैं। या फिर एक प्लैनेट या फिर एक स्टार या फिर एक दूसरा प्लैनेट के अंदर जो गैप रहता है उसको भी हम कह सकते हैं कि सबस्पेस। और उसी तरह से एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के अंदर जो गैप रहता है उसको भी हम कह सकते हैं सबस्पेस। और एक यूनिवर्स और दूसरा यूनिवर्स के अंदर जो गैप रहता है उसको भी हम कह सकते हैं कि सबस्पेस। या फिर एक टाइमलाइन और फिर दूसरा टाइमलाइन के अंदर जो गैप रहता है उसको भी हम कह सकते हैं कि सबस्पेस। तो ये सारी चीज़ें तो आप सब जानते हैं कि वो सबस्पेस क्या है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल्म। रियल्म कैसे बोलते हैं उसको? रियल्म या फिर रिलैम या फिर रल्म, फिर जो भी हो। अबे साले दोस्तों, ये जो रियल्म वर्ड है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जानने लायक चीज है। रियल्म, रियल्म साले तू, ये क्या चीज है? दोस्तों ये जो रियल्म है ये क्या होता है कि इसको हम लिटरल मीनिंग अगर निकाले हिंदी का तो उसको कहते हैं कि क्षेत्र, एक जगह, मतलब एक क्षेत्र बोलते हैं, एक दायरा बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बोला था कि एक वस्तु का ही आयाम रहता है, तो उसी तरह से रियल्म का भी डायमेंशन रहता है, मतलब लेकिन वो रियल्म कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। लिटरली मतलब होल एग्जिस्टेंस भी होता है, जहाँ पे इन्फाइनाइट डायमेंशनल, हायर डायमेंशनल भी रह सकते हैं, इन्फाइनाइट हायर स्पेशल डायमेंशन भी रह सकते हैं, इन्फाइनाइट 3D डायमेंशन भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी पॉकेट रियल्म भी हो सकती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो पॉकेट डायमेंशन भी हो सकता है, रियल्म है ना। तो रियल्म जो रहता है, जैसे कि हम मार्वल में उसको कहते हैं कि एक ऐसा जगह है जो कि वन अबव ऑल का प्लेस है, जिसके अंदर होल एग्जिस्टेंस समा सकता है। या फिर हम एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि बियॉन्ड रियल्म। बियॉन्ड रियल्म एक ऐसा रियल्म है जो कि मार्वल का जो कॉस्मोलॉजी है वो पूरी तरह से एक, मतलब एक समुंदर में एक बूंद पानी के जैसा है, वो इतना बड़ा है, वो भी एक रियल्म के अंदर ही आता है वो। तो रियल्म जो रहता है वो डायमेंशनलिटी से बंधा नहीं है कि रियल्म मतलब वो थर्ड डायमेंशनल या फिर फोर्थ डायमेंशनल या फिर फिफ्थ डायमेंशनल या फिर टेंथ डायमेंशनल, ऐसा बंधा नहीं है, उसको कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी हो सकता है वो रियल्म। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइमलाइंस। टाइमलाइंस क्या है? दोस्तों टाइमलाइन ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी आपके घर पर अभी चाय पी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी एक चीज़ है, ऐसा भी एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं क्वांटम मल्टीवर्स थ्योरी। क्वांटम मल्टीवर्स थ्योरी के अंदर क्या होता है कि आपका
एक सेपरेट पैरेलल वर्जन दूसरे यूनिवर्स में, या फिर मैं भी हो सकता है दूसरे, कभी कभी ऐसे भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि दूसरा गैलेक्सी में भी बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स के अंदर आप का एक दूसरा वर्जन कॉफ़ी पी रहा हो या फिर चाय पी रहा हो, और एक दूसरा यूनिवर्स के अंदर एक आपका दूसरा पैरेलल वर्जन वो दूध पी रहा हो, या फिर दूसरा एक वर्जन में आप हो सकते हैं कि वो एक जगह पे आप किंग हो, लेकिन आपका एक दूसरा टाइमलाइन पे दूसरा फ्यूचर के वर्जन में आप हो सकता है कि आप एक ऑफिसर हो, या फिर आप एक बेगर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से एक टाइमलाइन के मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब से इटरनल इन्फ्लेशन हुआ है, जैसे कि हम कहते हैं कि बिग बैंग, उसी तरह से इटरनल इन्फ्लेशन जब से हुआ है मतलब वो तभी से ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो क्रिएट हुए हैं, अभी क्रिएट हुए हैं। लेकिन दोस्तों आपका वो डिफरेंट वर्जन रहते हैं वो तब से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ट्रंक्स सागा में बहुत सारे ड्रैगन बॉल जी का ट्रंक्स का बहुत सारे वर्जन रहते हैं, मार्बल में बहुत सारे ऐसे वर्जन रहते हैं, हालांकि हमने लोकी के सीरीज में भी देखा है कि बहुत सारे टाइमलाइंस क्रिएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि टाइमलाइंस जैसे हैं उसके अंदर और भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो और भी टाइमलाइन जो रहता है वो स्प्लिट होता है। जैसे कि मार्वल इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जैसे कि बोलते हैं कि जैसे फर्स्ट फॉर्मामेंट था, फर्स्ट फॉर्मामेंट के बाद टाइमलाइन डाइवर्जन के कारण मतलब बहुत सारे एक ही ब्रांच से होल मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है, मतलब एक ही ब्रांच के अंदर से वो पूरा डाइवर्जन होके पूरी तरह से होल मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो टाइमलाइंस रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो यूनिवर्स है, दूसरे यूनिवर्स है, या फिर ये होल टाइमलाइंस जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मल्टीवर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स क्या है? मल्टीवर्स ऐसा एक चीज़ है जिसके अंदर होल इन्फिनिट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे मल्टीवर्स है उसके अंदर होल टाइमलाइन होल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों मल्टीवर्स जो रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है रेगुलर यूनिवर्स से। मल्टीवर्स कॉन्टेन करता है इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और कभी कभी आप सब जानते होंगे कि मल्टीवर्स का बहुत ही डिफरेंट मीनिंग रहता है, जैसे कि मल्टीवर्स के अंदर ही मेटावर्स रहता है, लेकिन हालांकि रेगुलर मल्टीवर्स जो रहता है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा रहता है मेटावर्स, क्योंकि मेटावर्स जो रहता है वो हायर डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने बोला था कि एक मल्टीवर्स रहता है वो हो सकता है कि इन्फाइनाइट 4D हो या फिर इन्फाइनाइट फिफ्थ डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन हो, उसको भी कभी कभी हम मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों मल्टीवर्स का दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे कि मल्टीवर्स के अंदर ही ओमनीवर्स आ जाता है, और रेगुलर मल्टीवर्स से ज़ेनोवर्स भी बड़ा रहता है, लेकिन उसी ज़ेनोवर्स को भी कभी कभी मल्टीवर्स के अंदर ही आता है, और होल ओमनीवर्स भी आता है, आउटरवर्स भी आता है, लेकिन उसको भी मल्टीवर्स ही आप कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि डीसी के जो मल्टीवर्स है उसके अंदर डार्क मल्टीवर्स भी है और डीसी स्पियर भी है, तो लेकिन वो भी मल्टीवर्स ही कहा जाता है, लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरा रेगुलर मल्टीवर्स से वो बहुत ही बड़ा है। और मार्वल तो कहा गया है कि वो ओमनीवर्स को कंटेन करता है, जो कि मतलब बहुत सारे इन्फाइनाइट टाइमलाइन पॉसिबिलिटी से कई गुना ज़्यादा बड़ा रहता है। और यहाँ तक कि हम डिबेटर्स की अगर बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपरवर्स है या फिर ज़ेनोवर्स है, हाइपरवर्स मतलब मल्टीपल इन्फिनिटीज ऑफ मल्टीवर्सेस, और वो भी मल्टीवर्स के अंदर ही काउंट होता है, जैसे कि हम कहते हैं मार्वल मल्टीवर्स या फिर ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स। तो इसी तरह से मल्टीवर्स कभी कभी होल एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट करता है, या फिर होल फ्रेंचाइज को प्रेजेंट करता है, या फिर होल फिक्शन को प्रेजेंट करता है। उसी तरह ये मल्टीवर्स जो रहता है वो इन्फाइनाइट 4D को या फिर इन्फाइनाइट फिफ्थ डायमेंशन को प्रेजेंट करता है। ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा फिक्शन वो किस वे में दिखाना चाहता है, आपके कॉस्मोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इस पर कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपका कुछ कन्फ्यूज़न को दूर कर पाया हूँ, या फिर आपको कुछ नॉलेज मिला इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अरिगातो गोज़ाइमासु, बाय बाय।